8 पास और मेट्रिक पास कैंडिडेट विभिन्न धरण पोस्ट आवेदन कर भिडियो जाना जा आवेदन करर्थात एप्लाई के विभिन्न धरण पोस्ट आवेदन कर फुल प्रसेस जाना जा प्रथम जान लो कत वेकेंसी ऊल्से की पद मुकुलि तार पद जाना जाने फर्म फिलप कर वेकेंसी ऊल्से साउथ शर्मार मानकेश्वर वेकेंसी ऊल्से पियनर बारोटा पद मुकुलि सेलरी हम 12,000 पर 37,500 मिनिमम 8 पास मेट्रिक पास हम फर्म फिलप कर पड़े कि जिस कैंडिडेट एच एस पास अर्थात 12 पास एक प्रार्थी पियन पोस्ट आवेदन कर जान लग फर्म फिलप कर चलक यू हल फर्म यह फर्म लिंक भिडियो डिस्क्रिप्शन दिया लिंक क्लिक कर डाउनलोड कर प्रिंट आउट करते फटो लगभग तार पद इते टू लिखा तार पद इतने लिख ऑफिस अब द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एंड इतने लिखा साउथ शर्मा मानकेश्वर लिखी लब पेन्दी लिख मैं टाइप कर उदाहरण दी अपना बुझाई नेम अफ पोस्ट कि पोस्ट आवेदन करते विभिन्न धरण पोस्ट आए पियन ड्राइवर चौकीदार प्रसेस सार्वर सुइपार ये पोस्ट आवेदन कर एट पास मेट्रिक पास हम कैंडिडेट आवेदन कर पार्टी इतने चलक डिपार्टमेंट अफिशर नाम ये हम अफिस अब द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साउथ शर्मा मानकेश्वर इतने एड्रेस फुल दिया अपना प्रथम टू दाते फुल लिखी लब पेन्दी लिखी लब इते मैं हाईलैट कर दीस इतने चाह लब यह एड्रेस तो प्रथम लाइन लिखी लब तार पद पोस्ट एप्लाई कर पोस्टर नाम लिख अफिशर नाम तो लिख ओनलि अफिस अब द डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड जज साउथ शर्मा मानकेश्वर यह लिखिले हो जा नम्बर अपशन तार पद फटो लगभग तार पद एक नम्बर ब्लक लेटर नाम लिख मैं केपिटल लेटर नाम लिख कैंडिडेटर जी जो कैंडिडेट एप्लाई कर दो नम्बर एड्रेस लिख विलेज टाउन जो गाँव थके विलेज नाम लिख टाउन थके टाउन नाम लिख पार्मानेंट एड्रेस इतने चलक अपना जी पार्मानेंट एड्रेस इतने लिखी दी प्रेजेंट और पार्मानेंट एड्रेस तो हो गए तार पद चार नम्बर अपशन देवतक नाम लगते देवतक एड्रेस कैसे एड्रेस तो लिख एड्रेस लिख अपना विलेज टाउन नाम पोस्ट अफिस पी एस डिस्ट्रिक्ट पिनकोड यह लिख पाँच नम्बर प्लेस अफ बार्थ इनक्लूडिंग इते कैसे पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट पोस्ट अफिस कत जन्मग्रहण कर नाम लिख जी कैंडिडेट एप्लाई करेटर नाम लिख कन्मग्रहण कर नाम लिख तार पद एड्रेस लिख पुलिस स्टेशन कत है कैंडिडेटर डिस्ट्रिक्ट कत है पोस्ट अफिस कि है पाँच नम्बर अपशन लिखी दी छः नम्बर सी से भारत नागरिक है ना ये येस कर दु तार पद और इते सीसे तार पद के इफ शो हाउ के यू लिखी दी जन्म द्वारा ये जन्म इते ग्रहण कर लिखी दी जो भारत नागरिक हाउ भारत मैं जन्मग्रहण करते रिक्शनल क्वालिफिकेशन इते एट पास मेट्रिक पास दी पड़े कैंडिडेट जिस एच एस पास आवेदन करदार क्वालिफिकेशन जो कम्पिटार सार्टिफिकेट आए विभिन्न धरण कोर्स आ छह माहर तीन माहर क्या जो बेलेग कोर्स कर लिखी दी कम्यूनिटी कि है अपना धर्म कि है लिखी लब तार पद इते चलक न नम्बर कम्यूनिटी सोदार पद अपना धर्म नाम तो इतने मेन्शन कर दी आको इते कास्ट जो एस सी एस टी है इते चलक शिड्यूल शिड्यूल कास्ट मैं एस सी कास्ट और हल एस टी है ना सीसे न नम्बर बी नम्बर अपशन नर बर अपशन जो एस टी एस सी है तस कर और जो न नो कर न नम्बर ए नम्बर लिख अपना धर्म नाम तो लिख तार पद इते जन्म तारीख लिख एस ऑन 1 जानुरी 2022 डेट मते बयस कि लिख प्रेजेंट अकुपेशन क्या बर्तमान जीविका आसे ना जो आ लिख येस कि लिख और जो ना नो तार पद प्रिभियास एपइंटमेंट हेल्थ इतने उल्लेख कर 12 नम्बर लिख जो क्या आगते एपइंटमेंट पासे कित पासी कत पासी लिख जो पा ना नो लिखी दिल हो जा 13 नम्बर सीसे जे आपुनी टेम्पोरारि क्या सरकार क्या जब कर येस कर ना नो लिखी दी जो करत मेन्शन कर 14 नम्बर सीसे जो कैंडिडेट एन सी सी कैडेट होने ना
হোমগার্ডৰ ট্ৰেইনিং কৰিছে নে নাই ইয়াতে সুধিছে। যদি কৰিছে ইয়েছ লিখিব আৰু যদি কৰা নাই নো দিব। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইয়াতে বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটৰ, এইটো বিচাৰিছে 15 নম্বৰত কেণ্ডিডেটৰ। এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো মেনশ্যন কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে 16 নম্বৰত কৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলি কোনোবাই গভ মানে চৰকাৰী জব বা চেমি গভ কৰি আছে নে নাই। যদি জব কৰি আছে ইয়েছ কৰিয়ে ইয়েছ লিখিব, কিহত কৰি আছে জনাই দিব। যদি আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কোনোবাই যদি চৰকাৰী জব পোৱা নাই বা চেমি গভৰ জব পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে 16 নম্বৰত ন' লিখিব। আৰু ইয়াতে আছিলে ফেমিলি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, এইটো বাধ্যতামূলক নহয়। 17 নম্বৰ যে ফেমিলি ইনকাম যিটো চাৰ্টিফিকেট এইটো নালাগে ফৰ্মৰ লগত। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো এইটো ব্লেংক এৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক ইয়াতে কি পষ্টত এপ্লাই কৰিব ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত চালানটো এইটো ব্লেংক এৰি দিব। ইয়াতে ডেট লিখিব 19 নম্বৰত ডেট প্লেছ ইয়াতে চহী কৰিব। এইখিনি কৰি এইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ডকুমেণ্টছ লাগিব কেণ্ডিডেটৰ। ইয়াতে চেলক লাষ্ট ডেট মাৰ্চ মাহৰ 21 তাৰিখ। তাৰপিছত এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াতে কি কি বিচাৰিছে লিখা আছে। ইয়াতে চাই ল'ব আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত যিসকলে ড্ৰাইভাৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট 8 পাছ বা মেট্ৰিক পাছ হৈছে এইসকল কেণ্ডিডেটৰ এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্টছখিনি জেৰক্স কৰি দিব লাগিব। আৰু কেণ্ডিডেটৰ পঠাব লাগিব। ইয়াতে এড্ৰেছটো লিখিছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ সাউথ চালমাৰা মানকাছৰ পোষ্ট অফিচ। ইয়াতে চাইলক ফেকামাৰি হ'ল পোষ্ট অফিচ, পিন নম্বৰ 783135, ডিষ্ট্ৰিক্ট সাউথ চালমাৰা মানকাছৰ আসাম। এই এড্ৰেছত পঠাব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যন চাব পাৰিব আৰু ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব, প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিয়ক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।